हरी ही ओम नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल महेश सुता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, 10 मई 2023 को मंगल देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 10 मई 2023 दिन बुधवार को दोपहर 1:48 पर मंगल देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे और 1 जुलाई तक इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का गोचर मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है, इसलिए आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे कि मंगल देव का ये गोचर किन किन राशियों के भाग्य को बदलने वाला है, किन राशियों को लाभ मिलने वाला है मंगल देव के इस गोचर से। तो आइए जानते हैं किन राशियों के लिए मंगल देव का ये राशि परिवर्तन रहेगा लाभकारी और मंगलकारी। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। जी हाँ, मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। इस गोचर काल में वैवाहिक दृष्टिकोण से मंगल का ये गोचर आपके लिए शुभ रह सकता है। मेष राशि के जातकों का अगर वैवाहिक जीवन सही नहीं रह पा रहा था या कोई समस्याएं वैवाहिक जीवन में चल रही थी, तो ऐसी समस्याएं इस गोचर काल में दूर हो सकती हैं। अपने जीवन साथी से जो भी शिकायतें आपको हैं उनका समाधान इस गोचर काल में हो सकता है। काम काज की बात करें तो इस गोचर काल में कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। व्यापारी हैं जो इस राशि के जातक, उनको व्यापार में अच्छा लाभ हो सकता है। लाभ प्राप्ति के लिए ये गोचर काल शुभ साबित हो सकता है। आय की बात करें तो वह भी इस गोचर काल में अच्छी रह सकती है। आय प्राप्ति के साधन बढ़ सकते हैं इस गोचर काल में, आय में वृद्धि भी हो सकती है। दूसरी राशि जानेंगे अब, कौन सी वह दूसरी राशि है जिसके लिए ये गोचर शुभता लेकर आ रहा है। सिंह राशि। जी हाँ, सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर राशि से द्वादश भाव में होने जा रहा है। इस गोचर काल में सिंह राशि के जो जातक विदेश में विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये गोचर काल शुभ रह सकता है। विदेश में विद्या प्राप्ति की इच्छा पूर्ण इस समय अवधि में होने की संभावना है। कोर्ट कचहरी में यदि कोई काम आपका फंसा हुआ है, रुका हुआ है या विवाद चल रहा है, तो उसका नतीजा इस गोचर काल में आपके पक्ष में आ सकता है। इस गोचर काल में सफल यात्राएं आप अपने कार्य को लेकर कर सकते हैं। सिंह राशि वालों की इच्छाएं इस गोचर काल में पूर्ण हो सकती हैं। अगली राशि जानेंगे अब, अगली राशि जिसके लिए मंगल का ये गोचर शुभ साबित हो सकता है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए राशि से एकादश भाव में मंगल का ये गोचर होने वाला है। ये गोचर काल में कन्या राशि के जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। धन संबंधी समस्याएं इस अवधि में दूर हो सकती हैं, सुलझ सकती हैं। व्यापार में लाभ प्राप्ति हो सकती है। इस गोचर काल में कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस गोचर काल में कन्या राशि के जातकों के प्रेम संबंध भी मजबूत होने की संभावना है। अब जानेंगे अगली राशि जिसके लिए मंगल का ये गोचर अच्छा रहने वाला है। पर उससे पहले जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें ताकि मेरे YouTube चैनल की नई वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। इस कार्यक्रम की आखिरी राशि के बारे में आप जानते हैं तो वह राशि है कुंभ राशि। जी हाँ, कुंभ राशि के लिए भी मंगल देव का ये गोचर शुभ साबित हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। इस समय अवधि में अपने कार्य क्षेत्र में कुंभ राशि के जातक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अपने प्रयासों का शुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है। शत्रु इस गोचर काल में आपको हानि पहुँचाने में विफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति भी इस गोचर काल में कुंभ राशि वालों की मजबूत रह सकती है। कार्य को लेकर, व्यापार को लेकर की गई यात्राएं सफलता दिलाने वाली हो सकती हैं। मैं आशा करती हूँ मंगलदेव का ये गोचर आप सबके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। धन्यवाद। हरि ही ओम।